हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक रीसेंट जजमेंट की, जो कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पे आया है। उस केस का नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये केस है, इसको 3 जजों की बेंच ने डिसाइड किया। इसमें थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2 डिफरेंट जजमेंट्स थे, उनमें कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे। तो आइए जानते हैं क्या है ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और इस जजमेंट में इशू क्या था, क्वेश्चंस फॉर कंसीडरेशन क्या था कोर्ट के लिए। तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, उसने डॉटर्स को कोपार्शनरी राइट्स दिए हैं। सेक्शन 6 अगर हम बात करें, जो अमेंडमेंट के बाद 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी अगर डॉटर है, कोई भी को पार्सनर है, उसकी कोई भी डॉटर है, तो उसको सन जैसे ही राइट हो जाएंगे को पार्सनरी में। को पार्सनरी की राइट उसको सन जैसे ही मिलेंगे, जैसे कि बेटों को पार्सनरी राइट्स मिलते हैं, जैसे कि बेटे को पार्सनर होते हैं, वैसे ही डॉटर भी को पार्सनर होंगी आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 विच केम इन टू फोर्स ऑन 9th of September 2005। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो उठा कोर्ट के सामने, वो ये था कि क्या जो है को पार्सनर फादर है, उसका अलाइव होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 9 सितंबर 2005 को। क्या जो को पार्सनर फादर है उसका अलाइव होना ज़रूरी है, तभी डॉटर को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे इस जजमेंट में कोर्ट ने बोला है कि फादर का अलाइव होना ज़रूरी नहीं है, डॉटर को बाय बर्थ जो है को पार्सनरी राइट मिल जाता है प्रॉपर्टी में। फादर चाहे तो 2005 के पहले एक्सपायर हो गया हो को पार्सनर फादर, तब भी जो है डॉटर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अब जान लेते हैं 2 अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग जो जजमेंट्स थे उनके बारे में। एक था प्रकाश वर्सेस फूलावती का जजमेंट, ये 2016 का जजमेंट था। ये 2 जज की बेंच का जजमेंट था। इसमें थे ऑनरेबल जस्टिस अनिल दवे एंड ऑनरेबल जस्टिस EK गोयल। तो इसमें जो है एक कन्फ्लिक्टिंग व्यू दिया गया था, एक अपोजिट ओपिनियन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर 2005 के पहले अगर फादर एक्सपायर हो गए हैं को पार्सनर फादर, तो डॉटर को पार्सनरी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा, डॉटर को पार्सनर नहीं बन पाएगी। लेकिन उसके बाद 2018 में 2 जज बेंच का ही एक अलग एक दूसरा जजमेंट आया, दनम्मा वर्सेस अमर का 2018 का जजमेंट था। इसमें भी 2 जजों की बेंच थी, डिवीजन बेंच थी। तो इसमें जो है अलग एक ओपिनियन दिया गया था, इसमें एक अलग चीज़ हेल्ड करी गई थी। इसमें बोला गया था कि लिविंग ऑफ फादर इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, कि जो फादर का जो अलाइव होना है वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है। अगर 2005 के पहले फादर एक्सपायर कर गया है, तब भी जो है डॉटर जो है को पार्सनर बन जाएंगी, क्योंकि उनको बाय बर्थ राइट है। इसी को एफर्म किया है कोर्ट ने, जो रिसेंट जजमेंट आया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 3 जजों की बेंच थी यहाँ पर। तो ये एक लैंडमार्क केस है, एक पोजीशन ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड हो गई है, पोजीशन ऑफ लॉ क्लियर हो गई है कि 2005 के पहले अगर फादर को पार्सनर की डेथ हो जाती है, तब भी जो है डॉटर्स को पार्सनर बनी रहेंगी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की। तो यही हमारा था ये आज का जजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।